यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, तो ये सारा सामान गाड़ी में भी जाएगा, तो मैं सर इसको गाड़ी में रख के आते हैं। ये सारा नॉर्मल सामान है अपना जो डेली यूज में काम आएगा, और ये पूजा का सामान है। तो सनी रेडी? चलो उठा लो, तुम कुछ उठा लो, जाके मेन कपड़ा पहनेंगे। तो ये मम्मी ने जमा है अपने घर का दही, क्या बात है, ये पूजा में काम आएगा। तो हमने रेडीमेड धोती मंगाया था अपने लिए, तो वो बोल रहा था कल आएगा, लेकिन अभी आ गया ये। सही है यार, मैं तो दुखी हो गया था यार, इतने मन से मैंने मंगाया था, लेकिन हमने दो मंगाए थे, एक ही क्यों आया पता नहीं यार, शाम तक आ जाएगा, पूजा के बाद ना आए, पूजा के बाद ना आ जाए, पूजा से पहले आ जाए। मेरा नहीं ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये पूरा पूजा का सामग्री, पूरा का पूरा पूजा का सामग्री। तो मम्मी ने बोला तू गिर जाइयो, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए, हम कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे बैठने में, लेकिन इसको सीट पे बैठाना है, कुछ हो जाए। भाई ये सब सामान भी है, बहुत सामान है, इसको एक एक करके ले जाना पड़ेगा। हाश, इसको तो रख दिया, अब दूसरा सामान लेके आता हूँ। और हमें कल भी जाना है रांची, तो ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन गृह प्रवेश का पूजा होता है उस दिन घर को खाली नहीं छोड़ता, मतलब कि वहाँ पे उस दिन स्टे करना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे जैसा भी इमरजेंसी हो जाए। और कल हमें जाना है रांची, और सो सॉरी मैं बंसीधर महोत्सव में नहीं आ रहा हूँ यार, ये थोड़ा बैड न्यूज़ है आप लोग के लिए। भाई लोग मेरे को देखने आते, तेरे को देखने कौन आता है यार? सही बात है ना, सही बात है। लोग आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, मैंने मजाक में बोला है बात। तो कल सुबह ना 5:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें करीबन 3:30 बजे निकलना पड़ेगा दोबारा से। तो सनी नहीं जा रहे इस बार हमारे साथ, तो मम्मी सनी घर पे रहेंगे, और हम सुबह सुबह 3:30 बजे पैकिंग वैकिंग करके निकल जाएंगे रांची के लिए, फिर रांची से जाएंगे जहाँ पे महोत्सव होने वाला है। अभी कुछ फंक्शन होना था अपार्टमेंट में, नीचे अच्छा कोल्ड ड्रिंक सब रख दिया है, पीने का मन कर रहा है पूरा, ऐसे नहीं रखना चाहिए लोगों को, क्यों ऐसे कर दिया है बिल्कुल ऐसे। चल ओ ऐसे क्यों? तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं हम 5 लोग, और जो पंडित जी हैं वो करीबन 2:30 बजे के बीच में आ जाएंगे, अभी 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो जल्दी से हम लोग जाएंगे। मम्मी ने बोला है कि अगर आज तुम लोगों ने फूल खरीद के अगर सजाया नहीं घर को तो बहुत मार मारूंगी। सब कुछ हो गया है ठीक है, और बस फूल ही नहीं खरीदा है, बताइए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया हम लोगों से। तो जल्दी से निकलते हैं और जल्दी से फूल खरीद के घर को सजाते हैं। यस चलो। और कल रात में तबीयत खराब हो गई थी, मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया, तो अभी आके तुरंत मैंने एडिट करके ब्लॉग को अपलोड किया है। तो गाइस डेडिकेशन देख रहे हो ना, तो लाइक कमेंट शेयर हो जाना चाहिए। यस थोड़ा सपोर्ट तो हो जाना चाहिए। तो अभी हमने एक और पार्सल रिसीव किया है, दीदी ने काफी कुछ ऑर्डर करके रखा था जो कि आजकल में आने वाला था। तो एक और चीज आया है, ये शायद मैट है, ये छू के वैसे लग रहा है, मैट मंगाया था दीदी ने, तो वो है, और भी कुछ तो है बढ़िया सा। तो मम्मी चले, अब तो सारा सामान हमने डाल लिया डिक्की में, अब निकलते हैं नए घर के लिए। मौसम निकल रहा है गाइस, आंधी बांधी सी आ गई एकदम। पहुंच चुके हैं। अरे यार देखा, यहाँ पे धूप उग गया। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए घर में, आ जाइए। तो दोस्तों पहुंच चुके अपने नए घर पे, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए घर, पहले जाते ही पूरा रूम का पर्दा सब खोल ली, जिससे रोशनी आएगी घर में, बहुत अच्छा लगेगा फिर। और पापा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कहाँ पे पूजा होगा, शायद इधर ही होगा मेरे को लग रहा है। तो मैं और सनी वापस नीचे आ चुके हैं, जो गाड़ी का सामान था सब कुछ वापस ऊपर ले चलते हैं, और सब कुछ को सेटिंग करते हैं। मेरा तबीयत खराब था अभी भी, मतलब सर में थोड़ा सा भन्नाहट है ही, लेकिन कोई बात नहीं, आज इतना खुशी का माहौल है, इतना बढ़िया दिन है, तो बुखार को करता है छोड़ना। भाई उठा लेना सारा सनी। अरे आप कितना उठा लूं? अरे तेरे पास दो टांग भी, दो टांगों से भी उठा लिया भाई। मैंने और सनी ने एक ही बार में इतना सारा सामान लिया है भाई, क्या बात है। गाइस मम्मी को देखिए, मम्मी ने ना केचप की बोतल में रिफाइंड डाला हुआ है। दीदी अपने काम को बखूबी निभाते हुए, दीदी अच्छे से करना, अगर कुछ भी डस्ट मिला अगर थोड़ा सा भी, तो पैसे काट लूंगा तेरे आज के। दोस्तों आप रोज देखते हैं सनी को शायरी सुनाते हुए, अभी पापा ने एक बहुत तगड़ा शायरी सुनाया, पापा दोबारा हो जाए। जो वादा किया सो निभाया नहीं है, क्या बात है, खाते में पैसे आया नहीं। क्या बात है, क्या हम भी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं।
तो दोस्तों अभी मैं और सनी निकल चुके हैं, कुछ फ्लावर्स लाने हैं, फ्रूट्स लाने हैं। मम्मी ने बोला कि पूरे घर को सजाना है फ्लावर से। तो यहाँ पे एक भैया बैठते हैं जो कि फूल बेचते हैं बढ़िया से। तो पापा ने बोला कि बढ़िया से एक दो किलो जितना भी हो जाए ना, भर भर के फूल ले आओ। तो चलते हैं और लेके आते हैं। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है। ये बारिश हो रहा है, बारिश अभी हो नहीं रहा है, बूंदा बांदी चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडा ठंडा पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी आंधी बहुत तेज चल रही है, सही में आंख में कुछ लग गया, गर्मी में ठंडक का एहसास हो गया। देखिए जो आशंका था ना वही हो गया, बारिश हो गया पूरा। मैं तो अपना व्लॉगिंग करने के लिए बाप रे तेज हो गया बारिश, मैं तो पूरा कैमरा वैमरा लेके आया था, अंकल ने बस एक पन्नी दे दी जो बांध दिया हूँ, तो बच जाएगा भाई। व्लॉग कर रहा हूँ वो भी नहीं हो पाएगा, मेरा तबीयत बहुत बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज पैरासिटामॉल खा के खड़ा हुआ हूँ, ऊपर से बारिश हो गई। देख रहे हैं ना, जो जितना डर था वो हो ही गया, भीग गए। अभी तो हम भाग रहे थे, कोई व्लॉग नहीं बना पाया, इतना जोर से भागे थे हम लोग कि सांस फूलने लग गया। हालत खराब हो गई यार, भागते भागते इतने देर में पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, ये भी डर था कि फिसल ना जाए। अभी तो यहाँ पे रुके हुए, आप कहाँ जाना है? अब हमें एक वो काली गाड़ी के पीछे, यस, एक बिल्डिंग और पार करना होगा हमें। लेट्स गो, वन वन टू थ्री भाग। हेलो भाई, पहुँच गए भैया। ये कैमरे कितने का दिया? अभी तत्काल तो 20 रुपये का, फिर मैं इसको कर दूंगा इसको 100 रुपया। हम सिर्फ फूल लेने गए थे तो कितना भीग गए, अगर फल लेने के लिए रुक जाते ना तो फिर कल ही आते। एक बाप रे बाप, बुखार लगा था मालूम है, ये किचन का तोड़िया है, तुम भी गया था ना साथ में, आ जाना, तुम्हारा बारी आ जाता, आ ना बच्चा, आ मेरा बच्चा, इसको इसी में मजा आता है, बता इसीलिए तो इसका मुंह पोछे नहीं करते। पापा को बुलाओ, पापा करेंगे, पापा बस ये बोलेंगे मना किए थे इस सब के लिए तो ये लोग किया। तेरा पांव। अब चिपक जाएगी, किसको मुंह मिल गया ना थोड़ा। देखिए गाइस, हम कुछ तो कर रहे हैं, क्या हो सनी, पेट में हलचल हो रही है क्या? पेट में सुगमुगाहट लग रही है। हलचल हो रही सनी के पेट में। हाँ नहीं, पूजा से पहले नहीं जाते बाथरूम, ये बात तो है भाई, पूजा से पहले नहीं जा सकते बाथरूम। सुगमुगाहट क्यों हो गई यार? पेट में कुछ हो रहा है क्या यार? पेट में कुछ हो रहा है क्या? दबा दूँ क्या पेट को? चिंचा क्या रहा है तू? क्या कह रहा है? तो दोस्तों पंडित जी आ चुके हैं, अब जल्दी से हम कपड़े बदलते हैं और अपना जो ट्रेडिशनल क्लोथ होता है वो पहनते हैं और जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। तो बारिश अभी आ गई थी, अभी बारिश हो ही रही है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज पूरे दिन का ही समय था कि पूरा दिन अच्छा था कि कभी भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पूजा जल्दी से शुरू करते हैं, मतलब हम कितने भी बजे से पूजा शुरू करेंगे ना तो हो जाएगा, पूरा दिन का ही आज सफल होगा, हर हर महा। तो लास्ट टाइम जब हम खादी में गए थे तो एक बहुत सुंदर सा पेपर सिल्क का कुर्ता मैं दिखाता था, हमने वो खरीदा था स्पेशली गृह प्रवेश के लिए। तो आज हम यही पहनने वाले हैं, मैं, पापा, सनी, तीनों। इतना सॉफ्ट है, इतना बढ़िया है, क्या ही बताएं। तो पापा सनी को बनाएंगे धोती। बहुत अच्छा, मैंने धोती भी रेडीमेड पहना, मतलब जो पहले से बना हुआ होता है ना वैसे ही। तो अभी पूजा की तैयारियां चल रही है और बाकी हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, मम्मी भी तैयार हो चुकी है, मैं भी। दीदी भी भाई, बहुत बेकार लग रहा है मेरे सामने तो। अच्छा,
पता भाग गए मतलब हम लोग कितने बड़े हो गए तो पूजा शुरू होगा गृह प्रवेश का यस ओम स्वस्ति न इंद्र वृद सर्वा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न स्थावर वरिष्ठ देवी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु तू क्या हम सब भूखे थे हम सभी भूखे थे ठीक है लेकिन अभी पंडित जी ने दे दिया है लड्डू अभी वो खा रहा हूँ तो कल सुबह 4 बजे निकलना है और सारे कपड़े हमारे इसी घर में तो हम यहाँ पे आ चुके हैं जल्दी से कपड़े सब पैक कर दें और कुछ कुछ सामान लेना है उस घर के लिए तो वो लेके निकलते हैं जल्दी से भाई क्या हवन हुआ सारा बुखार उतर गया मेरा भाई एकदम फ्रेश फील हो रहा है भाई इतना कन्फ्यूजिंग हो गया ना कि क्या क्या सामान ले जाना है यहाँ से वहाँ पे जो कि हमें कल काम आने वाला है भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है भाई क्या क्या ले जाना है कपड़े तो सारे रेडी हो गए बस इतने से कपड़े ले जाने हैं और मैं आपको बताऊं कि कल हम सुबह एकदम 3:30 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से रांची जाएंगे फिर रांची से जाएंगे हम वो करीबन 200 किलोमीटर का रास्ता है मतलब 5 घंटा लग जाएगा हमने मैप पे देखा 5 घंटा बता रहा है भाई हालत खराब होने वाली है क्योंकि हाल ही में 2 दिन तो बहुत ज्यादा ट्रैवल हो गया और ये 200 किलोमीटर ट्रैवल के लिए भाई जान निकल जाएगी तो सारा सामान पैक कर लिया गाड़ी में हम निकलते हैं जल्दी से पहुंचते अपने घर नए घर तो दोस्तों अब समय हो गया रात के खाने का तो भी आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और मैंने पूरा ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि मैंने भी से नहीं समझ रहा था भाई बहुत टफ होता है वो थोड़ा धोती ना सबसे बेस्ट होता है अगर तेरे को आ जाए ना पहनना कुश्ती भी कर सकता है किसी को उठा कर पटक भी सकता है नहीं मैं बहुत फ्लेक्सिबल होता है वो चावल ले लिया है हमने दाल है आलू गोभी की सब्जी है तरुआ भी है क्या क्या परवल का भुजिया भी है वाह 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 वो आप ही खाओगे तरुआ सब है पापड़ है ओहो नए डाइनिंग टेबल पे उसे देसी स्टाइल में बैठ के खाने का मजा ही अलग है सनी कैसा है आप एक पीस 100 रुपए का बस सही में सही में 100 रुपए का इतना
जा।